बी एंड बी एस सी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल संसाधन। यानी संसाधन भूगोल के अंतर्गत पिछले अध्याय में अपन ने अध्ययन किया था मृदा संसाधन का अध्ययन किया था और आज अपन अध्ययन करेंगे जल संसाधन अर्थात जल को संसाधन की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। संसाधन किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जल भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जल का जो उपयोग है अपन घरेलू कार्य हेतु भी करते हैं और औद्योगिक कार्य हेतु भी करते हैं। कृषि हेतु भी करते हैं, परिवहन हेतु भी करते हैं। अतः जल को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य जल का उपयोग घरेलू कार्य औद्योगिक कार्य कृषि तथा परिवहन हेतु करता है। इस कारण से जल को किसमें रखा जाता है? संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि मानव की समस्त आवश्यकताएं संसाधनों का अध्ययन करें तो पहला संसाधन आता है प्राणवायु क्योंकि उसके बिना मनुष्य बिल्कुल भी नहीं रह सकता और दूसरा जो स्थान आता है वो किसका आता है? जल का आता है क्योंकि जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। अतः जल मनुष्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पहला स्थान प्राणवायु का आएगा, दूसरा स्थान किसका आता है? जल का आता है। अब जल को उसकी उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग, एक धरातलीय जल संसाधन और दूसरा भूमिगत जल संसाधन। यदि धरातलीय जल संसाधन में उन संसाधनों को लिया जाता है या जल के उन स्रोतों को लिया जाता है जो कि धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। धरातलीय जल संसाधन में जल के उन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है जो कि धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। और धरातल के ऊपरी भाग का अध्ययन करें तो इसमें नदियों को लिया जाता है, झीलों को लिया जाता है, नहरों, तालाबों आदि के जल को सम्मिलित किया जाता है। यानी नदियों के जल को भी लिया जाता है, झीलों के जल को भी लिया जाता है, नहरों के जल को भी लिया जाता है और तालाबों के सभी के जल को इसमें क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले जल संसाधन को धरातलीय जल संसाधन कहा जाता है। इस जल संसाधन में नदियों को लिया जाता है, झीलों को लिया जाता है, नहरों को लिया जाता है और तालाबों के जल को सम्मिलित किया जाता है। इस जलीय स्रोत के द्वारा मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति होने के कारण से इसको मानव का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। उपलब्धता के आधार पे और उपयोग के आधार पे इसको पुनः दो भागों में बांटा जाता है। यानी पुनः दो भाग कौन से होंगे? एक स्तरीय जल संसाधन हो जाएगा और दूसरा महासागरीय जल संसाधन। यानी संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है। 71% भाग पर जल है
38% भाग पर भूतल का विस्तार है, लेकिन ये वाला जो जल है इस जल में से केवल मात्र 1% जल ऐसा पाया जाता है जो कि मानव के उपयोग योग्य है। कितना? केवल 1% जल ऐसा पाया जाता है जिसको मनुष्य काम में ले सकता है, अन्य जल का मानव उपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो वाला जल है या तो लवणीय है, या उसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, या फिर उसमें नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है, या फिर बाद में वो जल प्रदूषित जल है। और इसमें सर्वाधिक जो जल उपयोग योग्य होता है वो कौन सा होता है? भूमिगत जल होता है। तो धरातलीय जल संसाधन जिसमें नदियों को लिया जाता है, झीलों को लिया जाता है, नहरों को और तालाबों को सम्मिलित किया जाता है, इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक स्तरीय जल संसाधन और दूसरा महासागरीय जल संसाधन। स्थलीय जल संसाधन में उन स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है जो कि धरातलीय भाग के ऊपर पाए जाते हैं, और धरातलीय भाग के ऊपर पाए जाने वाले अगर संसाधनों का अध्ययन करें तो उसमें अपन नदियों को लेते हैं, तालाबों को लिया जाता है, नहरों को लिया जाता है। इसके साथ में अधिकांश जलीय या लेगून झील वाले क्षेत्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेगून जल को भी सम्मिलित किया जाता है, पश्चे जल को भी सम्मिलित किया जाता है। ये वाला जलीय स्रोत सबसे महत्वपूर्ण जलीय स्रोत होते हैं, और इनके महत्व का अध्ययन करें तो सबसे पहली बात आती है घरेलू आवश्यकता की पूर्ति तथा नगर निगम की आवश्यकता की पूर्ति है। स्थलीय जल संसाधन में नदियों के जल को लिया जाता है, झीलों के जल को लिया जाता है, नहरों और तालाबों के जल को सम्मिलित किया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें अपन तो स्थलीय जल का उपयोग घरेलू और नगर निगम की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। दूसरी बात आती है औद्योगिक कारखानों के लिए, औद्योगिक कारखानों के संचालन है। उद्योगों में यानी जो कारखानों में यानी जो भी जल्दी यानी किसी भी वस्तु को ठंडा करने हेतु या पीने हेतु उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? स्थलीय जल स्रोत का उपयोग ही किया जाता है। तीसरी बात आती है मछली पालन के लिए, यानी मछली पालन स्थलीय जिलों में किया जाता है, या फिर बाद में महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। तीसरी बात आती है परिवहन हेतु, नाव के द्वारा या जहाज के द्वारा व्यक्ति तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, और जल परिवहन है वो परिवहन का सबसे सुगम और सस्ता साधन है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सुगम साधन है और सबसे सस्ता साधन है। सुगम साधन क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, और नहीं इसमें कोई रखरखाव की लागत आती है, अतः ये वाला सबसे सुगम है और सस्ता साधन है। इसके अलावा खनिजी नमक की प्राप्ति करते हैं, धरातलीय भाग पर झीलें पाई जाती हैं, और झीलें दो प्रकार की होती है, एक मीठे पानी की और दूसरा खारे पानी की। खारे पानी की जो झीलें होती है उसमें सोडियम पाया जाता है, और उस जल को सुखाने के बाद में उसे खनिज नमक की प्राप्ति की जाती है, अतः खनिज नमक भी कहां से प्राप्त होता है? स्थलीय जल स्रोत के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में वायुमंडल में आर्द्रता के द्वारा तापमान को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। जिस स्थान पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं
वहां पर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। और जैसे ही वहां से वाष्प बनती है, वाष्प बन के ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के कारण से नमी के द्वारा वहां का तापमान क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, और वर्षा करने में भी सहायता प्रदान करेगी। थोड़ी बहुत क्या होती है, वर्षा भी इन्हीं के द्वारा होती है। इसके बाद में आता है मानव बस्तियों के नियंत्रण। अपन यही कहते हैं मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में बस्ती या आदिवास का निर्माण करता है जहां पर जल के प्रचुर साधन पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में जल की कमी पाई जाती है उन क्षेत्रों में गांव के बीच में या तो कोई तालाब पाया जाता है और या कोई कुआ पाया जाता है, और सारे के सारे लोग क्या होते हैं उसके चारों ओर किसका निर्माण कर लेते हैं, आदिवास का निर्माण कर लेते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तो आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या नगरीय क्षेत्र हैं, आज विश्व के अधिकांश बड़े नगर हैं वो या तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं या फिर बाद में समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। किसकी पूर्ति के लिए, जल की आवश्यकता की पूर्ति है। तो मानव बस्तियों का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा ही होता है। इसके बाद में जो नदियां होती है उनके द्वारा राज्य और देश इनके बीच में सीमा का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। नहीं समझे, नदियों के द्वारा राज्य और देश की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। राज्य और देश की सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, कई राज्य ऐसे पाए जाते हैं जहां पर बीच वाले स्थान से नदी गुजरती है, और जिस स्थान से ये नदियां गुजरती है ये वहां पे प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी सीमा, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो यहां पर सीमाओं का निर्धारण भी कौन करती है, नदियों के द्वारा ही किया जाता है। मानव सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो कहां पर हुआ था, नदी घाटियों में हुआ था, और अधिकांश नदी घाटियों में किसके अंतर्गत लिया जाता है, स्तरीय जल संसाधन के अंतर्गत। और इसके साथ में मानव स्वास्थ्य के विकास है, किसके लिए, मानव स्वास्थ्य के विकास है। तो मनुष्य के स्वास्थ्य के विकास हेतु भी किसका प्रयोग किया जाता है, स्तरीय जल संसाधन का प्रयोग किया जाता है। तो स्तरीय जल संसाधन में उन स्रोतों को लिया जाता है जो कि धरातल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इसमें नदियों के जल को लिया जाता है, झीलों के जलों को लिया जाता है, तालाबों को लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं महासागरीय जल। आज संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है, और केवल 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। ये 71% भाग जो जल का है इसका अधिकांश जो भाग है वो किसके रूप में पाए जाते हैं, महासागरीय जल के। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जो जल पाया जाता है वो जल किसके रूप में पाया जाता है, महासागरीय जल के रूप में पाया जाता है। और महासागरीय जल की अगर अपन बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर जो स्तरीय भाग है उनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं। इधर वाले भाग जो एशिया का भाग है
इधर प्रशांत महासागर आ जाएगा, इधर आर्कटिक महासागर आ जाएगा, इधर बीच वाले भाग में एस के आकार में अंध महासागर आ जाएगा, नीचे अटलांटिक आ जाएगा और यहां पर हिंद महासागर। तो यानी संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी में महासागरीय भाग पाए जाते हैं। और इन महासागरीय क्षेत्रों की बात करें तो इन महासागरीय क्षेत्रों की औसत गहराई 3.5 किलोमीटर पाई जाती है। अगर किसी भी महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में जल की औसत गहराई कम पाई जाती है तो उस क्षेत्र में पतन का विकास किया जाता है। पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। और बंदरगाह क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। क्योंकि अगर तट की गहराई बिल्कुल खड़ा तट पाया जाएगा तो वहां पे जहाज आसानी से आ सकता है। आज संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी पे 5 महासागर पाए जाते हैं। 5 हो गए, प्रशांत हो गया, अंध हो गया, आर्कटिक, अटलांटिक और हिंद महासागर। इन 5 महासागरों में सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। और आकार में सबसे बड़ा होने के कारण से प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध कहा जाता है। प्रशांत महासागर आकार में सबसे बड़ा होने के कारण से प्रशांत महासागर को क्या कहा जाता है? जलीय गोलार्ध कहा जाता है। नीचे वाले क्षेत्र में हिंद महासागर पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव में कौन सा पाया जाता है? अटलांटिक महासागर पाया जाता है। अब महासागरीय क्षेत्र की विशेषता का अध्ययन करें तो महासागरों की औसत जो लवणता है वो 35 प्रति हजार पाई जाती है। महासागरीय क्षेत्रों की जो औसत लवणता है वो 35 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। यानी लवणता का जो मापन है वो प्रति हजार में किया जाता है। प्रति हजार का मतलब होता है 1000 ग्राम जल में कितनी लवण की मात्रा पाई जाती है। तो इसका मापन किसमें किया जाता है? 35 प्रति हजार में किया जाता है। दूसरी बात आती है महासागरीय जल है इसका घनत्व हमेशा अधिक होता है। स्तरीय जल या स्वच्छ जो जल होता है उस जल की अपेक्षा महासागरीय जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तीसरी बात आती है महासागरीय जो जल होता है उसमें स्तर जात निक्षेप पाए जाते हैं। स्तर जात निक्षेप यानी बजरी भी पाई जाती है, शिष्ट भी पाए जाते हैं, प्रवाल भी पाए जाते हैं और अनेक खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे मानव के काम में आते हैं। इसके बाद में बात आती है महासागरीय जल में सतह का जो तापमान होता है वो अधिक होता है। और जैसे जैसे गहराई की ओर जाती है तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। सतह का तापमान हमेशा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा आता है। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान क्या हो जाता है? कम होता है। तो सूर्य का प्रकाश है वो 600 फीट तक पहुंचता है।
100 फीटम तक समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फीटम में मापते हैं, पर औसत गहराई जितनी होती है 100 फीटम तक सूर्य का प्रकाश जा सकता है, उसके बाद में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है। इसके बाद में आता महासागरीय क्षेत्रों में ज्वार फटा जाता है, लहरें उत्पन्न होती है, और लहरों के साथ में समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होती है। ज्वार फटा भी उत्पन्न होता है, लहरें भी उत्पन्न होती है, और समुद्री धाराओं की उत्पत्ति भी होती है। तो ये था अपना धरातलीय जल संसार। आज के लिए इतना ही।